नमस्कार। आज हम लोग एक पीपीटी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। किस पर टॉपिक क्या है उसका? वॉर ऑफ 1857 और उसमें जो रानी लक्ष्मीबाई का कॉन्ट्रीब्यूशन था उस पर। तो मेरा नाम एकांश श्रीवास्तव है, 10th B का मैं स्टूडेंट हूँ, केंद्रीय विद्यालय इफको फूलपुर से। ये जो प्रोजेक्ट आप देखेंगे वो उसको बनाया गया है रानी लता भदौरिया मैम के गाइडेंस में। आइए देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो 1857 की वॉर को हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मानते हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई का बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने कई सारे चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो हम लोग अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वॉर जो हुई थी, ये जो तरीके जो रिवोल्ट हुआ था, ये रिवोल्ट के कारण क्या थे और उसमें फिर झांसी में किस तरह से वो युद्ध हुआ था और उसमें किस तरीके से वहाँ पे वॉर रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है द कॉलोनियल पीरियड एंड द रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या होता है। जब कोई बाहरी देश आकर किसी देश पर कब्जा कर ले और वहां पे अपनी जो कम उसको अपनी पॉलिसीज को, अपने कल्चर को थोपने लगे, वो एक उसे कहते हैं कॉलोनियल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर श्रीलंका पे कब्जा करके वहां पे अपने तरीके से रूल्स लगा ले, तो वो तो श्रीलंका के लिए इंडिया कॉलोनियल रूलर्स हो जाएंगे। तो ब्रिटेन का जो कंट्रोल था इंडिया पर वो स्टार्ट होता है 1757 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उनको प्लासी के युद्ध में हरा दिया था। तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था कि जो एक नवाब थे सिराजुद्दौला बंगाल के, उनको उनका युद्ध हुआ था किससे? ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से। उनके एक मीर जाफर करके एक गद्दार ने, वो थे एक तरीके से कमांडर थे, जिन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया था और वो हार गए थे। तो अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर कब्जा हो गया हमारे ब्रिटेन का। इसके बाद ब्रिटेन रुका नहीं, बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद संधि, मैसूर को हराया और करते करते रजवाड़ों को हराते हुए पूरी तरीके से कब्जा किस कर लिया, इंडिया पर कर लिया। और 1757 के बाद ये कब्जा करना चालू किया। आप ये देख सकते हैं रिवॉल्ट हुआ 1857 में, मतलब 100 साल का अंतर था यहाँ पर। इस 100 साल में ब्रिटेन ने कुछ ऐसे काम किए जो जिसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा भरा हुआ था इंडियन पर्सन से भी, इंडियन लोकल इंडियंस में। तो कुछ देख लेते हैं रीजंस बिहाइंड द रेबेलियन ऑफ 1857। पहला था जस्टिस सिस्टम जो था, मतलब न्याय किसको दे रहे हैं। तो ये इंडियन के लिए अनफेयर था, मतलब ये इंडियन साथ धोखेबाजी करता था। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ब्रिटेन का ऑफिसर है कोई और एक इंडियन ऑफिसर है कोई, उनमें कोई बात पे झगड़ा हुआ, वो लोग कोर्ट में गए, तो वहां पर कोर्ट में जो प्रिविलेज मिलेगी वो ब्रिटेन को मिलेगी, ब्रिटिश ऑफिसर को मिलेगी, इंडियन की आवाज को दबा दिया जाएगा। दूसरा रीजन, तो ये सबसे बड़ा रीजन है, इसी कारण तो युद्ध भी हुआ था, आप लोग पढ़ते होंगे, न्यू कार्थेज। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे आप देखिए, एक मैं इसे येलो कलर से बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए गोली है, एक बुलेट जो कि चलाई जाती है, आर्मी की बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होती है, आप जानते हैं। उस समय गोली को खराब ना हो इसलिए उस पे कवरिंग लगाई जाती थी। ये कवरिंग को क्या करता था ब्रिटेन, क्या करता था इसे क्वालिटी अच्छी करने के लिए, इसको इसमें काऊ और पिक का फैट मिला देता था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि जो ये दोनों रिलीजन को एक्सेप्ट ही नहीं थे, क्योंकि हिंदू रिलीजन में गाय को बहुत ज्यादा माता की तरह पूजा जाता है और मुस्लिम रिलीजन में पिक को काफी ज्यादा खराब माना जाता है, जिस कारण से ये दोनों ऑफेंड हो गए। क्यों भाई, तुम इसी का यूज कर रहे हो इस कवर को बनाने में। तीसरा रीजन था, इसी रीजन से हम लोग जानते हैं कि युद्ध भी चालू हुआ था। तीसरा रीजन है हमारा ब्रिटिश पॉलिसीज। ब्रिटिश पॉलिसीज जो ब्रिटिश ने आने के बाद, जब कोई भी मान लीजिए कोई भी सरकार आएगी तो वो कुछ पॉलिसीज लगाएगी, तो ब्रिटेन ने काफी हार्श पॉलिसी लगाई थी ट्रेड पर, लैंड होल्डिंग पर, टैक्सेशन पर। और ब्रिटेन ने दो लॉज बनाए थे, दो लॉज जिस जो सबसे बड़े रीजन थे इस रिवॉल्ट के। आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई ने भी उनमें से एक लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के खिलाफ ही युद्ध किया था। तो देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब एक सिंपल लॉ था कि उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई राजा है एक्स, इसका कोई मेल वारिस नहीं है, मतलब कोई लड़का नहीं है जो कि इसके राज्य को आगे बढ़ाएगा, तो अगर ऐसा नहीं कोई लड़की है, मान लीजिए लड़का नहीं है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहता था कि आप लड़की को एज अ क्वीन नहीं लगा बना सकते, आपको लड़के बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास लड़की होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपकी टेरिटरी ब्रिटेन के अंदर आ जाएगी। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सब्सिडियरी अलायंस में था। अब ब्रिटेन ने देखा कि जो लोग के पास लड़की है वो तो ऐसे हमारे अंदर अंडर आ जाएंगे, लेकिन मान लीजिए जिनके पास लड़का वारिस हो वो क्या करेंगे। तो
उनके दिमाग लगा, इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि सब्सिडी अलाइंस। इन्होंने कहा मान लीजिए ये मेल राजा है एक्स, इन्होंने कहा तुम्हारी खुद की सेना रहेगी, इसकी रक्षा करेगी ब्रिटिश आर्मी, मतलब राजा ये रहेगा, उसकी सेना किसी कंट्रोल में रहेगी, ये ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगी, ये ब्रिटिश ऑफिसर के कंट्रोल में रहेगी। अब जब मन चाहे ब्रिटिश ऑफिसर आर्मी को ऑर्डर देगा और ये आर्मी वहीं पर तख्ता पलट कर देगी, जो तख्ता पलट कर देगी। और सबसे खराब बात क्या, इस एक्स राजा के पास कोई सेना ही नहीं है इससे अपने आपको डिफेंड कर पाए, इसलिए आराम से इसकी टेरिटरी ब्रिटेन के अंडर आ जाएगी। इसके बाद इन्होंने जो अब जहां पे ये लोग कब्जा कर लिए वहां क्या करते थे, तो सोशल एंड रिलीजियस जो इश्यूज काफी ज्यादा हुए थे। कि क्या रीजन था, तो इंडियन को जो इंडियन लोग थे वहां पे, जो मूल इंडियन थे, उनको जबरदस्ती ये लोग क्रिश्चियन बनाते थे, जिस कारण से, और इन्होंने पंडित मौलाना, पंडित जो हमारे हिंदू में जो एक तरीके से पूजा करने वाले पंडित होते हैं, और मुस्लिम में, मुस्लिम कम्युनिटी में मौलाना जो होते हैं, इन दोनों को कहा था कि आपकी कोई पागा नहीं रहेगी, अब आप भी किसी अंडर में काम करेंगे, ब्रिटेन के अंडर में काम करेंगे। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कई सारी, अब जब ब्रिटेन में कब्जा हुआ तो इंडिया ने काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेली। आपने पढ़ा होगा इंडिगो प्लांटेशन को लेकर, एग्रीकल्चर आप पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिगो प्लांटेशन में किस तरीके से ब्रिटेन ने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ इंडिगो उगेगा, यहाँ पर और कोई भी आप क्रॉप नहीं लगा सकते। आठवां जो रीजन था मिलिट्री ग्रीवियंस, यहाँ पे क्या थे, इन्होंने अपनी मिलिट्री को प्रमोशन किया और जो फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब जबरदस्ती ये लोग सेना में शामिल कर लेते थे। जो ये सब ये की फैक्टर्स थे जिसके कारण लोगों में डिसइंटीग्रेशन, मतलब इन लोग के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ थोड़े से वो गुस्सा भरने लगा, इनके खिलाफ गुस्सा भरने लगा, और ये लोग कहा कि आप हमें आजाद होना है। अब देखते हैं आउटब्रेक और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन चालू कैसे हुआ। तो इस तरह मंगल पांडे केस आता है, ब्रेवरी ऑफ मंगल पांडे। तो 29 मार्च और 1857 में मंगल पांडे का केस क्या था, जो मैंने आपको गोली बताई थी, ये बुलेट, उस बुलेट में क्या हुआ था कि ये काफी ऑफेंड थे कि तुम काहे यूज कर रहे हो किसको, बुलेट में पिग और काउ के मीट को। तो इन्होंने क्या किया था, 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पे शूट भी कर दिया था, क्योंकि ये नाराज थे कि आप क्यों फैट का यूज कर रहे हैं। इसके आउटकम में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट करना मतलब मार देना, सिंपल बात, मार देना। मार देने को अब ऐसे बोलेंगे तो खराब, मतलब खराब रहेगा, तो इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में एग्जीक्यूट करना बोलते हैं। तो अप्रैल 8, 1857 में इनको मार दिया गया। इसके जस्ट एक महीने बाद जो पूरी तरीके से प्लान तरीके से इन लोगों ने रेवोल्यूशन चालू किया, और पूरे इंडिया में रेवोल्यूशन आउटब्रेक हो गया और फैल गया। इसी में झांसी केस निकाला गया। तो केस ऑफ झांसी में सिंपल सा जो जो मेन केस है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का था। यहाँ के जो किंग थे वो मर चुके थे, रानी लक्ष्मीबाई के पास अपना एक लड़का नहीं था, एज अ वारिस, लड़का इनका नहीं था। तो इन्होंने क्या, जब तो ब्रिटेन ने इनसे आस्क किया कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप हमारी टेरिटरी हमें जोड़ लीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे हमारी बेटी शासन करेगी। तो रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग झांसी की रानी बोलते हैं। इनका काफी सिग्निफिकेंट रोल है 1857 की वॉर में। तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में, कहाँ पर, बनारस में, एक ब्राह्मण फैमिली में। ब्राह्मण फैमिली में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टिक किया है। और इनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 में, जब ये 29 ईयर्स की थी, ग्वालियर में युद्ध करते हुए ब्रिटेन के खिलाफ। ग्वालियर पोर्ट में हम पढ़ेंगे, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, और ब्रिटेन ने उनको वहां पे, और काफी ज्यादा चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं बैटल ऑफ झांसी। तो 1858 में यूग्रोज नाम के एक कमांडर थे। अब मान लीजिए ये झांसी का फोर्ट है, इस पे चारों ओर से यूग्रोज ने ब्रिटिश सेना से कब्जा कर लिया और कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आप पे अटैक कर देंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, और ये अपनी मैन और वुमेन, मतलब दोनों को मिलाकर, इनमें की आर्मी में ऐसा रहता है सिर्फ मैन वुमेन भी थी, दोनों मिलकर एक कंबाइंड वे में इनसे लड़ना चालू किया, और 2 हफ्ते तक युद्ध चला, और काफी ज्यादा एफर्ट जरूर लगाया यहाँ पर झांसी की रानी ने, उनकी आर्मी ने, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजिकल भी थे, क्योंकि ब्रिटेन अपने बंदूक से लड़ रहा था और कहीं ना कहीं उनके पास उतने एडवांस हथियार नहीं थे उस जमाने के हिसाब से, झांसी की आर्मी को हार हार गई थी आर्मी। झांसी की रानी ने जरूर इस युद्ध में स्केप करके ग्वालियर फोर्ट को भी जीत लिया था, लेकिन उनके इतनी चोट लग गई थी कि वो लास्ट में उनको मृत्यु हो गई। लास्ट में वही रिजल्ट हुआ,
जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो जीत गए। और 1858 में, अर्ली 1858 में, झांसी था वो ब्रिटिश फोर्स के अंदर अंडर आ गया। अब कुछ हम लोग मॉरल और मोटिवेशनल लर्निंग देख लेते हैं जो हमारी लक्ष्मीबाई के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलती है। पहली तो करेज, उन्हें वो कहीं ना कहीं जानती थी कि ब्रिटेन की आर्मी का सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने पूरी बहादुरी से उनका सामना किया। डिटर्मिनेशन, वो डिटरमाइन थे अपने गोल पर कि इनको जीतना है युद्ध को। उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी कि मैन वुमेन दोनों एक साथ लड़ने आ गए थे, तो वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी को भी दर्शाता है। उन्होंने वुमेन को भी इंस्पायर किया था, किस लिए? फाइट करने के लिए, फ्रीडम फाइट करने के लिए। वो अपनी कंट्री से काफी लव करती थी, जो उनकी पेट्रोलिज्म को भी दर्शाता है। उनका एटीट्यूड काफी पॉजिटिव था, वो बस वो अपने कंट्री के लिए फ्रीडम चाहती थी। तो अब एक बेसिक की हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम इन सारे को कैरेक्टरिस्टिक को अपने जीवन में अडॉप्ट करें तो हम लोग एक अच्छे जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।